आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अंजुमन कमेटी एवं मुस्लिम समाज ने दिया राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। मोहम्मद मुस्तफा के लिए की गई टिप्पणी से नाराज है मुस्लिम समाज। सनावद अंजुमन इस्लाम कमेटी और मुस्लिम समाज जनों ने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा की शान में अभद्र भाषा व झूठी बात कहने पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को समाज जनों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नायब तहसीलदार दिलीप गंगराड़ी को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से समाज जनों ने बताया, रामगिरी महाराज ने सार्वजनिक मंच से अल्लाह के रसूल नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा की शान में व उन्मूल मोमिन हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अनोहों के बारे में गुस्ताखी भरे शब्द कहे। इस प्रकार रामगिरी महाराज ने इस्लाम और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद के बारे में सार्वजनिक मंच से गलत और मनगढ़ंत बातें कहकर शाने रसूल में गुस्ताखी की, जिससे सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि आमतौर पर सभी अमन पसंद लोगों को काफी तकलीफ हुई। रामगिरी महाराज ने झूठ और मनगढ़ंत बातें बोलकर नबी करीम की शान में गुस्ताखी तो की है, साथ ही साथ इस्लाम और धर्म और हमारी धार्मिक आस्था का अपमान भी किया, जिससे दो समाजों के बीच तनाव पैदा करने, देश की शांति को भंग करने, इस्लाम धर्म को मानने वालों की धार्मिक भावनाएं आहत की। समाजजनों ने राष्ट्रपति से मांग करते हुए रामगिरी महाराज के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानून के तहत उचित धाराओं में कार्रवाई करने और जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को लेकर आदेश प्रदान करें। इस दौरान काजी शहर हाफिज अजमल खान, मुफ्ती शादाब अशरफी, अंजुमन सदर शेख शाकेरीन, सेक्रेटरी जरार अहमद, खजांची माजिद खान सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। इस दौरान टीआई इंद्रेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। सनाबत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।